हेलो गाइस, आज हम करेंगे प्री रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में पार्ट 4, जिसके अंदर हम अपना कवर करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बेसिक्स। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? हमारी मेमोरी एलोकेशन टू प्रोग्राम एलिमेंट्स एंड रन टाइम। जैसे कि हमने एरेज वाले में करा था, हमने बोला था कि हम स्टैटिक एरे डिक्लेयर करते हैं, डायनेमिक एरे डिक्लेयर करते हैं, और मैंने बोला था कि आपको डायनेमिक एरे फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो डायनेमिक हमने वहाँ पे बता दिया था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, कि अगर बाय चांस हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसके अंदर हमको पहले से नहीं पता कि हमको कितनी मेमोरी या कितने वेरिएबल बनाने की जरूरत है, और हमको सिर्फ रन टाइम पे पता चले कि यूजर कितने वेरिएबल के साथ काम करना चाहता है या कितनी मेमोरी उसको यूज करनी है, तो उस केस में हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो काम आता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो हमको यूजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि यूजर से ही पूछता है। बाय चांस अगर हम एरे का एग्जांपल लेके चले, तो प्रोग्राम चलने से पहले वो यूजर से ही पूछ लेगा कि आपको कितने एलिमेंट डालने हैं, कितने एरे का साइज कितना चाहिए। तो यूजर बाय चांस उस पर 10 डाल दे या 200 डाल दे, वो जितना भी डालेगा रन टाइम पे, मतलब जैसे ही यूजर ने 200 डाला, वो उसी टाइम पे रन टाइम पे मेमोरी जो है वो हमारी रैम को मिल जाएगी। पहले से कोई जो है फिक्स मेमोरी नहीं होगी इसके अंदर, यूजर जैसे ही डालेगा वो तभी जो है मेमोरी एलोकेट हो गई हमारी रन टाइम पे, और जो है वो फर्दर जो यूजर है वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो वही है मेमोरी एलोकेशन प्रोग्राम एट रन टाइम। तो जैसा कि हमने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमको पहले से पता था, तो हम मेंशन करते थे कि कौन कौन सी हमको कितने जो है ब्लॉक्स हमको बनाने हैं, लेकिन हमको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर कुछ फंक्शंस का यूज करना पड़ता है जो हम यूज करते हैं, जो कि हमारे होते हैं मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन और फ्री फंक्शन। ये तीन फंक्शन हमको जो है यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, अब ये मैलॉक फंक्शन होता क्या? अब ये पहले ये मैलॉक कैलॉक समझने से पहले हमको एक चीज पता होनी चाहिए एरेज के बारे में, और वो एक एरेज और पॉइंटर, मतलब ये एरेज और पॉइंटर के कंसेप्ट को थोड़ा ज्वाइन करता है। वो क्या है कि हमको पता है जब हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो इंट ए 10 लिखते हैं। ठीक है, इंट ए 10 का मतलब क्या होता है कि हमारे 10 ब्लॉक जो है वो हमारे रैम के अंदर बन जाते हैं, लेकिन हमको ये चीज नहीं पता कि हमारा जो एरे का जो नाम होता है ना, वो हमारा एज अ पॉइंटर काम करता है उसके पहले ब्लॉक को। मतलब जैसे कि अगर हमारा रैम के अंदर हमारा ये एरे बना है ना, तो हमारा जो भी एरे का नाम है ना, वो एज अ पॉइंटर काम करता है एरे के पहले ब्लॉक का। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोले कि अगर हम इक्वेशन ही देखें तो एड्रेस ऑफ ए 0 इज इक्वलेंट टू ए, क्योंकि अब क्योंकि अगर हमारा एरे का जो नाम है वो पॉइंटर की तरह काम करता है, तो ये लॉजिकली बात ही है कि वो कोई एड्रेस ही स्टोर करेगा। तो वो जो हमारा एरे का नाम होता है वो एरे के पहले ब्लॉक के एड्रेस को ही स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोलें कि अगर ये पहले ब्लॉक का एड्रेस को स्टोर करता है, तो इस वजह से जो है हमारा पहले ब्लॉक का एड्रेस जो है वो हमारे उसके नाम के लॉजिकली इक्विवेलेंट हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा एरे के अंदर जो होता है, जो पहला ब्लॉक का जो एरे का नाम होता है ना, वो एज अ पॉइंटर हम ट्रीट करते हैं, या फिर इंटरनली एज अ पॉइंटर ट्रीट होता है वो हमारा एरे के पहले ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो वही है, एरे का नाम जो है वो हमारा पॉइंटर टू फर्स्ट ब्लॉक होता है। अब हम आगे आते हैं मैलॉक फंक्शन के बारे में। मैलॉक फंक्शन क्या होता है? मैलॉक फंक्शन हमारा एक फंक्शन यूज होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ठीक है, मैलॉक फंक्शन का जो हमारा जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड होता है। उसको जो लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं मैलॉक, हम नाम उसका मैलॉक होता है, उसके पैरामीटर्स हमको उसके अंदर कुछ पास करने पड़ते हैं, और उसका कुछ रिटर्न टाइप होता है जो कि हमको बेसिक फंक्शन का पता है। बेसिक फंक्शन का नाम होता है, एक तो फंक्शन का क्या नाम होता है उसको हमको रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ता है, और उसका जो होता है हमारा जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं सी के अंदर, तो हमको उसके पैरामीटर्स भी मेंशन करने पड़ते हैं। तो जो मैलॉक फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। एक्चुअली में जो मैलॉक होता है वो हमारा एक एड्रेस रिटर्न करता है, तो इसलिए उसका जो हमारा रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड स्टार होता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर है इसलिए हम स्टार यूज कर रहे हैं, तो वो जो एड्रेस रिटर्न करता है वो हमारा पॉइंटर एड्रेस रिटर्न करता है, रिटर्न टाइप होता है वो हमारा वॉइड स्टार होता है। ठीक है, वॉइड स्टार का मतलब कि ये ना जो मैलॉक फंक्शन क्या करता है, मैलॉक फंक्शन अपने इन पैरामीटर्स में एक ब्लॉक्स लेता है, मतलब वो दो चीजें लेता है, एक तो कितने साइज का हमको ब्लॉक बनाना है, और साथ में उन जो साइज लेना है उसके कितने ब्लॉक्स बनाना है। जैसे कि हम स्टैटिक एरे के अंदर क्या मेंशन करते हैं, हम एक जब भी डेटा टाइप मेंशन करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि उसको कौन, क्योंकि जो भी डेटा टाइप होता है उसका एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, जैसे कि इंट के 2 बाइट्स होते हैं और हमारे फ्लोट के 4 बाइट्स होते हैं, कैर का 1 बाइट होता है, तो उसको इसी से पता चल जाता है कि कितने साइज का जो है उसको ब्लॉक्स बनाने और कितने बनाने, वो हम उसको पैरामीटर्स में या फिर ऐसे पैरेंथेसिस में उसको पास कर देते हैं। लेकिन मैलॉक फंक्शन के अंदर हमको वो दोनों जो है वो पास करने पड़ते हैं, हमको उसका साइज, कितने साइज का ब्लॉक्स बनाना है उसको, प्लस कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स उस साइज के
कितने बनाने वो ही पास करना पड़ता है, और वो अपने पैरामीटर्स में वो लेके जो है वो हमारा रैम के अंदर ऐसे ब्लॉक्स को बना देता है और पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमको जो है हम जो भी रिटर्न होता है वो हमारा एड्रेस रिटर्न होता है, हमारा नाम रिटर्न नहीं होता। जैसे कि इसके अंदर हम इसको इसके नेम से एक्सेस कर सकते थे ना, लेकिन इसके अंदर क्योंकि मेमोरी हमारी डायनेमिकली एलोकेट हुई है, हमको पहले से नहीं पता था कि मेमोरी एलोकेट होगी भी या नहीं। क्योंकि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुई है तो हमको डायनेमिकली कोई भी मेमोरी अगर एक्सेस करनी है तो हमारे पास सिर्फ एड्रेस वाला ही कंसेप्ट या फिर एड्रेस वाला ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो अगर हमको जो मेमोरी एलोकेट हुई है हमारी डायनेमिकली तो हम सिर्फ उसको उसके एड्रेस से ही एक्सेस कर पाते हैं। इसलिए मैलॉक फंक्शन जो हमारा बनाता है ब्लॉक्स, वो बनाने के बाद एक एड्रेस रिटर्न करता है, उसके मतलब जो भी उसने एरे बनाया होता है उसके पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करता है। जो कि अब क्योंकि यह एड्रेस रिटर्न करता है तो हमको पॉइंटर्स का यूज करना पड़ता है उस एड्रेस के साथ डील करने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लेके दिखाया है, वो क्या है कि इंट स्टार ए। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंट टाइप के एरे बनाऊं, तो इंट टाइप के एरे बनाने के लिए मेरे को अब क्योंकि मैंने जो पॉइंटर की प्रॉपर्टी की हमने क्या पढ़ी थी कि वो उसी टाइप के एड्रेस मतलब ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर करता है जिस तरीके का हम उसको डिक्लेयर करना चाहता है। अब क्योंकि हम जो है वो इन टाइप का एरे बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने और जो एरे बना रहे हैं हम इन टाइप का बना रहे हैं मलॉक फंक्शन की वजह से, तो वो एड्रेस जो आएगा वो भी हमारा इन टाइप का होगा, जिसको हैंडल करने के लिए हमको पॉइंटर जो यूज करने पड़ रहा है वो भी इन टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या कहा, इन स्टार ए जो है हमने डिक्लेयर करा है यहाँ पे इन टाइप का पॉइंटर। उसके बाद ए के अंदर इन स्टार मलॉक ऑफ सिक्स, अब यहाँ पे मैंने सिक्स इंटू, अगर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा साइज, तो सिक्स इंटू टू क्योंकि इंट जो दो साइज लेता है, और इंटू सिक्स मतलब छह ब्लॉक्स वो बना दे। तो अब देखो आप पैरामीटर्स में इसने क्या किया, पैरामीटर में इतने साइज लिया, कितने साइज का उसको ब्लॉक्स बनाना और कितने ब्लॉक्स बनाने इसने ये लिया, और दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ये क्या करेगा, अब ये दो दो ऐसे 2 बाइट का एक ब्लॉक बनाया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये ऐसे 6 ब्लॉक जो है रैम के अंदर बनाएगा और पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस जो है वो रिटर्न कर देगा। लेकिन जो ये एड्रेस रिटर्न करेगा ना उसका टाइप वॉइड होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है वो वॉइड स्टार है, इसलिए हमको इसकी टाइप कास्टिंग करनी जरूरी है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था कि जब हम एक्सप्लिसिटली यूजर अपने हिसाब से किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज करता है अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो हमको क्योंकि इंट टाइप का एरे बनाना है इसलिए हमने उसका जो रिटर्न टाइप कर दिया इंट स्टार, ठीक है। तो अब ये मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, ये ऐसे ब्लॉक्स उसने बना दिए, अब वो ब्लॉक बनाने के बाद जो रिटर्न करेगा वो इंट टाइप का ब्लॉक बनाया उसने, तो इंट टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा, और वो इंट टाइप का एड्रेस रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर भी इन टाइप का है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमको यही बता रहा है कि एक एरे हमारा डायनेमिकली एलोकेट हो रहा है, जो भी हम उसके अंदर साइज पास कर रहे हैं और जितना भी हम उसके जितना भी साइज का हमको ब्लॉक्स बनाने वो, और उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर होगा जो कि ये रहा। मतलब बेसिकली रैम के अंदर देखे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक ए टाइप का पॉइंटर बनेगा, ए मतलब ए इन टाइप का एक पॉइंटर बनेगा जो कि ए हम होगा, और डायनेमिकली हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसको हमको एक्सेस करने के लिए जो है वो हमारा एक पॉइंटर जो है वो उसको पॉइंट कर रहा होगा कि इसके अंदर उसका पहले ब्लॉक का एड्रेस जो है वो हमारा होगा, जो कि बेसिकली हमारा स्टैटिक एरे का कंसेप्ट होता है, ठीक है। जो मैंने यहां पे टिक मार रखा और यहाँ पे क्रॉस मार रखा, क्यों? क्योंकि ये वाला अगर हम जनरली साइज मेंशन कर दें और ब्लॉक्स मेंशन कर दें तो वो हमारा थोड़ा एफिशिएंट नहीं रहता, क्योंकि कंपाइलर टू कंपाइलर हमारे डेटा टाइप की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में बताया था कि हमारे 32 बिट के कंपाइलर में इंट का साइज 2 बाइट का होता है, जबकि 64 बिट के कंपाइलर में इंट का साइज 4 बाइट का होता है। तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन यूज करते हैं साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, ये अपने पैरामीटर्स में डेटा टाइप लेता है और उसका साइज रिटर्न करता है। मतलब अब हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अगर मैं इसको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर रहा हूं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में उस डेटा टाइप की जो भी वैल्यू होगी उस टाइम पे वो यहां पे रिटर्न होगी, वो उतने साइज के ब्लॉक्स को जो है वो बना देगा, ठीक है। तो मैंने साइज ऑफ इंट अगर यहां पे यूज करा तो क्या होगा, अगर वो 32 बिट का कंपाइलर यूज कर रहा होगा तो 2 बाइट यहां पे रिटर्न हो जाएगी, और अगर वो 64 बिट का कंपाइलर यूज कर रहा होगा तो यहाँ पे 4 बाइट रिटर्न हो जाएगी, और इनटू हमको साइज देना पड़ेगा कि कितने हमको बनाने हैं। मान ले 6 इन टाइप के ब्लॉक्स बनाने हैं तो 6 इन टाइप का ब्लॉक इनटू साइज ऑफ इंट ये 6 ब्लॉक्स बना देगा और एड्रेस रिटर्न कर देगा इस पॉइंटर के अंदर जो कि इन टाइप का होगा, क्योंकि हम इन टाइप का एरे बना रहे हैं, ठीक है। हम यहां पे भी अगर हमने 6 बोला है, बाय चांस हमको हम यहां पे 6 की जगह एन दे दे, अब ये एन क्या है, जो कि यूजर मतलब हमने प्रोग्राम चलने से पहले हमने यूजर से पूछ लिया कि आप कितने एरे के साथ काम करना चाहते हो, मान ले 6 की जगह यूजर ने 16 डाला,
तो रन टाइम पे क्या होगा, एन की जगह 16 आ जाएगा और 16 ब्लॉक्स रन टाइम पे हमारे एक सेकंड के अंदर एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको जो है ये यूजर फ्रेंडली है वो काम करने लगेगा, क्योंकि हमको यूजर के हिसाब से हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, पहले से हमने उसको ये रेस्ट्रिक्शन नहीं दी कि आप सिर्फ इतने ही ब्लॉक्स मेमोरी एलोकेट कर सकते हो या फिर इतने ही एरे के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मेन हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है। मैलॉक फंक्शन जनरली हम ज्यादातर यूज करते हैं। एक और चीज जो हमको याद रखनी है कि जो भी जब मैलॉक फंक्शन जो ये ब्लॉक्स बनाता है ना, वो उनकी इनिशियलाइजेशन जो है वो गार्बेज वैल्यू से करता है, जैसे कि एरेस के अंदर हमारा होता है गार्बेज वैल्यू के साथ इनिशियलाइजेशन होती है, वैसे ही जो मैलॉक फंक्शन जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है तो वो भी जो है हमारे गार्बेज वैल्यू ही जो है वो एलोकेशन करता है। दूसरा हमारा कैलॉक फंक्शन भी सिमिलर वही हमारे ब्लॉक्स को एलोकेट करता है ये, लेकिन इसके इसमें और इसमें दो चीजों का फर्क होता है। पहली चीज क्या कि इसके अंदर हमको मल्टीप्लाई के साथ मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी जिस जितना साइज है जितने साइज के ब्लॉक चाहिए और कितने ब्लॉक चाहिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके अंदर हमको कॉमा में देना पड़ता है, मतलब कितने हमको कितने ब्लॉक्स बनाने हैं और कितने साइज का ब्लॉक बनाना है वो दोनों हमको कॉमा में देके देना पड़ता है। और प्लस जो ये रिटर्न करता है मतलब जो ब्लॉक बना के जब ये रिटर्न करता है तो उनको इनिशियलाइज ये जीरो से कर देता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये जो हमारे मैलॉक के अंदर जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हमारी गार्बेज वैल्यू से होती है, जबकि कैलॉक के अंदर जो होती है हमारी गार्बेज वैल्यू जो होती है वो जीरो से होती है, ठीक है। और जो जो मेमोरी हमारी एलोकेट होती है डायनेमिकली, इनको यूज करने के लिए हम फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। फ्री फंक्शन क्या करता है, फ्री जो है वो अपने पैरामीटर्स में वो पॉइंटर या फिर वो एड्रेस ब्लॉक लेता है जिसको उसको फ्री करना है। अगर मैं क्या था? यहाँ पे फ्री ऑफ ए पास करता हूं तो ए जिस पॉइंटर जिस मेमोरी ब्लॉक को पास कर रहा है वो उसको फ्री कर देगा, मतलब फ्री ए क्या है, ये जो यहां से मेमोरी जो एलोकेट हुई है वो उसको फ्री कर देगा, ठीक है। तो हमको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमको यही बेसिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए था, जिसका आगे हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। आपको अब वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।